और ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। शहर शहर पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त किया है। 250 से ज्यादा बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 212 बदमाशों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। ट्रैफिक नियम का पालन ना करने वालों पर भी कार्रवाई हुई है, तो पुलिस सख्त नजर आ रही है। ग्वालियर में एक तरफ जहां बदमाशों के खिलाफ एक्शन, तो दूसरी तरफ सड़क पर नियम का पालन ना करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। 250 से ज्यादा बदमाशों पर कार्रवाई हुई है, तो 212 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया। एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़े लेवल पर गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब ये ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद सीधा जुड़ गए हैं। विनोद, जरा बताइए इस कार्रवाई के पीछे किस तरीके से देखें इसे। देखिए, मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ग्वालियर में एक के बाद एक बड़े अपराध घटित हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश में ऐसे अपराध भी सामने आए हैं जिनकी संख्या ग्वालियर में ज्यादा बताई गई है। उसको लेकर ग्वालियर पुलिस लगातार एक्शन में अब दिखाई दे रही है, क्योंकि कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी देर रात तक ऐसे अभियान चलाए हैं, जिसमें पुराने बदमाश जो जमानत पे थे उनको भी जगह जगह के ये देखा कि ये लोग कहीं किसी अपराध में शामिल तो नहीं, या किसी प्रकार की कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा शहर और ग्रामीण इलाके के जितने भी हाईवे से लगे हुए मार्ग थे, वहां चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए, उनकी चेकिंग की गई, तो तकरीबन ऐसे 500 कार्रवाइयां देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में चालान भी किए गए हैं, कई ऐसे वाहन भी मिले गए हैं जिनके कोई ऐसे अधिकृत दस्तावेज भी उनके पास नहीं थे, और तमाम ऐसे बदमाशों को भी उनको हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार की पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो उसमें सहयोग करें। ठीक है, इसके अलावा जो कानून व्यवस्था का जो इकबाल है, जो बात कही जाती थी विनोद की ग्वालियर में कानून लगातार बेलगाम होता जा रहा है, लेकिन पुलिस के एक्शन से क्या माना जाए? कानून पर शिकंजा कसेगा, अपराधियों पर शिकंजा कसेगा, कानून का इकबाल बुलंद होगा? देखिए, दो चीजें सामने देखने को मिल रही हैं। एक तो पिछले 15 दिन पहले जिस तरह से गैंगरेप के दो मामले सामने आए थे, उसमें एक गैंगरेप फर्जी निकला, दूसरे गैंगरेप में 3 आरोपी शामिल थे जो कि भंवरपुरा का था। उसके बाद व्यापारियों के साथ लगातार एक के बाद एक लूट घटित की गई। मुरैना जिले के बागचीनी में 2 करोड़ का सोना लूटा गया। ग्वालियर में भी एक व्यापारी को लूटने की कोशिश की गई, तो कुछ व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ ही अभियान चला दिया, लगातार धरने मुरैना में दिए गए, ग्वालियर में दिए गए 2 दिन पहले, तो ये उसका एक प्रभाव देखा जा रहा है कि पुलिस के बड़े अफसरों को इसमें अब एक्शन लेना पड़ा, और उनको लगातार मीटिंग करके अपने थाना प्रभारियों को बोला गया है कि जल्दी से जल्द अपराधियों को पकड़े, आरोपियों पर कार्रवाई करें, और इसी के तहत ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे